नमस्कार। सिटी मैप पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति चंदा, देश प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। हिमालय क्षेत्र में कभी भी आ सकता है बड़ा भूकंप, वैज्ञानिक का दावा, होगी भारी तबाही। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि NGRI ने जो वैज्ञानिक है उन्होंने दावा किया है कि हिमालय क्षेत्र में जल्द ही बड़ा भूकंप आ सकता है। उन्होंने कहा कि भूकंप की तीव्रता काफी हो सकती है जो क्षेत्र में भारी तबाही ला सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि संरचनाओं को मजबूत करके जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। ANI की खबर के अनुसार हैदराबाद स्थित NGRI के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर पूरन चंद राव का कहना है कि धरती की परत कई प्लेट्स से मिलकर बनी है और इन प्लेट्स में लगातार विचलन होता रहता है। भारतीय प्लेट्स हर साल 5 सेंटीमीटर तक खिसक गई और इसकी वजह से हिमालय क्षेत्र में बड़ा तनाव बढ़ गया है। अगले 4 दिन गर्मी से मिलेगी राहत, हल्की बारिश के आसार। 28 फरवरी के बाद चढ़ेगा पारा। पड़ोसी राज्य पंजाब से होकर गुजर रहे पश्चिमी विक्षोभ के हल्के प्रभाव और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं ने एक बार फिर से उत्तराखंड के जो मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम का मिजाज है वो बदल दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक उत्तर पश्चिमी हवाओं की सक्रियता के चलते गर्मी से थोड़ी राहत रहेगी। मैदान से लेकर पहाड़ तक तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी। जासूसी मामले में मनीष सिसोदिया पर केस करेगी CBI। गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। फीडबैक यूनिट से नेताओं अफसरों की जासूसी का आरोप, नेताओं अफसरों की जासूसी करवाने के मामले, दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती। गृह मंत्रालय ने बुधवार को केजरीवाल सरकार की फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी कराने के आरोपों पर सिसोदिया के खिलाफ CBI जांच की मंजूरी दे दी है। भाजपा ने सिसोदिया पर आरोप लगाया था कि उन्होंने दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट के जरिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विपक्षी दलों, विभिन्न संस्थाओं और लोगों की जासूसी कराई। आम आदमी पार्टी यानी कि आप ने साल 2015 में दिल्ली में सरकार बनाने के बाद इस यूनिट का गठन किया था। विजिलेंस विभाग के मंत्री होने के नाते सिसोदिया पर ये आरोप लगाए गए हैं। आयुष्मान भारत केंद्रों को मोहल्ला क्लिनिक में बदल रही पंजाब सरकार, केंद्र ने दी फंड रोकने की चेतावनी। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का फंड मोहल्ला क्लिनिकों में लगाने का आरोप लगाते हुए पंजाब सरकार को फंड रोकने की चेतावनी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि पंजाब सरकार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्रों को मोहल्ला क्लिनिक में बदल रहे। गौरतलब है कि मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी का पसंदीदा प्रोजेक्ट है। पंजाब में इसे आम आदमी क्लिनिक का नाम दिया गया है। हिमाचल अब डिपुओं में लोगों को आंखें स्कैन कर मिलेगा सस्ता राशन, टेंडर फाइनल। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अब आंखें स्कैन कर डिपुओं में सस्ता राशन मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने इसका टेंडर फाइनल कर दिया। तमिलनाडु की कंपनी को ये काम दिया गया है। योजना लागू करने के लिए खाद्य नागरिकों और उपभोक्ता मामले विभाग यानी कि NIC राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ सॉफ्टवेयर को लेकर संपर्क कर रहे विभाग का मानना है कि इस योजना के लागू होने से सस्ता राशन के जो फर्जीवाड़े उस पर अंकुश लगेगा। वहीं पोस मशीनों में उंगली लगाने का जो झंझट है वो भी खत्म हो जाएगा। देश प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी खबर पाने के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी मैप को। अगर आप हमें Facebook या Instagram पर देख रहे हैं फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।